लखनऊ के जनपद चिकित्सालय बलरामपुर में बलरामपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जीबी गुप्ता जी के द्वारा 50 शैया के अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था की गई। राजधानी लखनऊ के जनपद चिकित्सालय बलरामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जीबी गुप्ता जी का सराहनीय और अनुकरणीय कदम। जी हाँ, बलरामपुर जनपद चिकित्सालय जहाँ पर लखनऊ ही नहीं बल्कि दूर दूर से मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, यहाँ पर उन्हें योग्य, ईमानदार और मरीजों के प्रति हमदर्दी और उनका समुचित इलाज किया जाता है और सभी दवाएं चिकित्सालय से उपलब्ध करवाते हैं। इमरजेंसी में आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या जो को और मरीजों की सुविधाओं और उन्हें बेहतर इलाज देने के लिए बलरामपुर जनपद चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीबी गुप्ता जी, जो कि मरीजों की सेवा उनके बेहतर इलाज के लिए चिंतित रहने वाले और मरीजों के मसीहा भी कहे जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के समयांक विचारों उपरांत इस कार्य हेतु SSB ब्लॉक के प्रथम तल पर शुरू की गई। इसमें प्रत्येक शैया पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है। आपने 50 नए बेड का एक अस्पताल में गिफ्ट किया लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गिफ्ट हमने नहीं किया है, ये हमारा कर्तव्य है करना जी। उनके लिए हम समर्पित हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हम उनकी सेवा करें और उनको किसी तरह का कष्ट ना हो। सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है गरीबों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए, उसका हम पूरा का पूरा यूटिलाइज करना चाहते हैं और पूरी सेवाएँ तन मन से हम मरीजों को देना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बिल्कुल जो आपने दिया है इसका कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है? कोई निशुल्क कहीं से एक रुपए कहीं से भी कोई चार्ज जी? अच्छा, और भी यहाँ पे और क्या सुविधाएं हैं सर इसके साथ में? सारी सुविधाएं हैं। अच्छा। आपको सुपर स्पेशलिटी से लेके हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर से लेके साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से लेके जॉइंट रिप्लेसमेंट से लेके एंडोस्कोपी से लेके दूरबीन से पथरी की ऑपरेशन, दूरबीन से जॉइंट का ऑपरेशन जी, जॉइंट का रिप्लेसमेंट, सारी सुविधाएँ हम लोग जी जी। इमरजेंसी में ज़्यादातर देखा जाता है कि पेशेंट को फ्लूड और ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं सारे तरीके के, लगभग टैबलेट्स कम चलती हैं इस पर, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट इमरजेंसी मरीज होता है जी। वो कोई बीमारी का बहुत ही भयानक रूप होता है जो उससे वो ग्रसित होते हैं और आते हैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे, तो उनको वही दवा देनी होगी जो जल्दी काम करे और अच्छी डोज में काम करे। इमरजेंसी में ज़्यादातर डायग्नोस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, डायग्नोस करना। डायग्नोसिस तो हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, प्लस हमारे स्पेशलिस्ट लोग पेशेंट को रिवाइज करते हैं, प्लस हम हर इमरजेंसी मरीज के हर बेड पे हर पेशेंट के पास हम जाकर स्वयं उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका गलत इलाज चल रहा हो। प्लस हमारे यहाँ इसी बिल्डिंग में जहाँ पे 50 बेड का एक्सटेंशन किया गया है, इसी में ICU है तीसरे फ्लोर पे जी। तो अगर इनमें से कोई पेशेंट हमारा सीरियस होता है तो हम तुरंत उसको ICU में शिफ्ट कर देते हैं आप, और वहाँ हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा है जी। जितने आधुनिक इलाज हैं। कितने वेंटिलेटर हैं सर? वेंटिलेटर हमारे पास इस समय 13 हैं जी, और ICU टोटल हमारे पास 28 है जी। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद।